Assalamualaikum viewers, I welcome you all in my YouTube channel Sufi Maths. So students, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है सॉल्यूशन ऑफ IBA JEST टेस्ट व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन 15th of September 2021. ये दो दिन पहले ही टेस्ट हुआ था तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं रख पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था किसी काम से. सो आज जैसे ही मैं वापस आया हूँ तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो है ये टेस्ट का सॉल्यूशन रखूँ ताकि आपकी PST में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इससे कि किस तरह के क्वेश्चन देते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 51 था सबसे पहला मैथ्स में. द आइडेंटिटी ऑफ 1 + 10² इज इक्वल टू डैश. तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, ठीक है. तो 1 + 10² का फार्मूला ये है कि ये बराबर होता है sec स्क्वायर के. अब इसी से दो फार्मूला और निकल दें कि sec स्क्वायर माइनस 10² इक्वल 1, sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 10². तो ये तीनों आप याद कर लें, इंशाल्लाह अगर आप JEST हो जाते हैं तो आपको टीचिंग में ये काम देंगे. तो इसका ऑप्शन सी सही होगा. अब आते हैं 52 पे. द वैल्यू ऑफ, अब ये बिल्कुल सिंपल सी जो है कैलकुलेशन है जिसका आंसर जो है यहाँ पे 2 होगा. अब आए देखें सॉल्व कैसे करते हैं. तो 1 तो जैसा ये जैसा है वैसा ही रहेगा. अब 2 पावर 0, किसी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है. उसके बाद है 3 स्क्वायर यानी 3 × 3, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 + 4 पावर 0, किसी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है. अपॉन 5 + 6 पावर 0 इक्वल 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, और अपॉन 5 + 1 = 6. 6 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम लगेगी, ठीक है. तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे. 53 में द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन -16 + (-15) - (-11) - (-17) = 1. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि x यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. तो सबसे पहले इनमें जो ब्रैकेट्स हैं वो हम ख़त्म करेंगे. तो इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, ना कोई साइन है मल्टीप्लाई करने के लिए, ना हमें कोई नंबर है, तो सेम ही रखेंगे इसे -16 के. उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे. तो यहाँ पर +(-) होगा और ये k है सिर्फ, तो सेम रखेंगे. अब ये -15 के भी सिंगल है और बाहर है इससे ब्रैकेट से, तो सेम रखेंगे. अब -(-) + 11 के, -(-) + 17 के इक्वल 1, ठीक है. तो आए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम. अब इसमें क्या होगा कि जो माइनस वाले हैं वो आपस में प्लस माइनस ऐड होंगे और जो प्लस वाले हैं वो आपस में ऐड होंगे, ठीक है. ये मैंने इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ाया मैंने. तो यहाँ पर देखें ये तीनों माइनस के हैं तो हम इनको ऐड करेंगे. माइनस सेम रख कर 15 + 1 = 16 + 16 = 32 के, ओके. नाउ ये दोनों प्लस वाले हैं तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन होगी इसकी प्लस. 11 + 17 = 28 के = 1, ठीक है. अब इन दोनों को प्लस माइनस करूँ मैं तो यहाँ पर देखें डिफरेंट साइन है. डिफरेंट साइन में क्या होता है कि हम बड़े नंबर की साइन रखते हैं, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 32, इसकी साइन रखेंगे जो माइनस है. उसके बाद क्या है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे. अब 32 के से 28 के माइनस करेंगे तो बाकी हमें मिलेगा -4 के = 1, ठीक है. अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है. -4 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाला उस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. 1 upon -4 के = -1 upon 4, ठीक है. तो इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में. इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको जो है वैल्यू फाइंड करना है. एक एक्सप्रेशन गिवन है तो इसमें आपको इंडाइसेस रूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम आते हैं ब्रैकेट में. ब्रैकेट में देखें दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ठीक है. तो जब भी बेस सेम हो और बिटवीन साइन डिवाइड हो तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे.
ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा कि 2 अपॉन 13 हम सेम रखेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 3, ऊपर 3 सेम, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 पावर 9 माइनस 9 सेम। ठीक है, अब क्या होता है जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपॉन 3 ये पावर के ऊपर पावर है, ठीक है 3 पावर है, इसके ऊपर एक और पावर है, तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 माइनस 9। ठीक है, अब जब मल्टीप्लीकेशन हो दोनों में तो क्या होता है कि बेस सेम रखकर 2 अपॉन 3 सेम रख के पावर आपस में ऐड करेंगे, तो 9 और माइनस 9 को जब हम ऐड करेंगे तो 2 अपॉन 3 के ऊपर 0 बचेगा। अब आपको मैंने सेकेंड क्वेश्चन में भी बताया था और वैसे भी आपको पता होगा कि किसी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, बी इक्वल 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एवेल्यूएटिंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एवेल्यूएटिंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपको नंबर्स गिवन होते हैं वेरिएबल की जगह, ठीक है, तो आपने क्या करना है बस उन वेरिएबल की जगह वो नंबर पुट करने होते हैं। अब यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है ए स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4ab स्क्वायर। ठीक है, आए इसे सॉल्व करते हैं, ए की जगह हम रखेंगे 2, तो 2 पर स्क्वायर प्लस 3 सेम, सी की जगह रखेंगे हम 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 2 एंड बी की जगह 3, हाँ 3 उसके ऊपर स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करें हम, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 2 ज़ 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ 9। ठीक है, तो 4 प्लस 3 सेम प्लस 8 9 ज़ 72, अब इनको प्लस करें तो 72 प्लस 3 75, 75 प्लस 4 79, व्हिच इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रन पे, तो क्वाड्रन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जो लास्ट टेस्ट मैंने करवाई थी उसमें भी था, एक्स है, एक्स डैश है, वाई और ये वाई डैश। अब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जिस क्वाड्रेंट में आप जाएं उसमें साइन देखें कि कौन सी जो लाइन है वो टच कर रही है। फर्स्ट में अगर हम आएँ तो देखें यहाँ पर एक्स जो है पॉजिटिव वाली टच कर रही है, वाई भी पॉजिटिव वाली, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट में होंगे। सेकंड में हम आए तो एक्स को देखेंगे, एक्स कौन सी लग रही है नेगेटिव, वाई कौन सी लग रही है पॉजिटिव, तो पहला अगर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो वो सेकंड में होगा। थर्ड में आए एक्स भी माइनस लग रही है, उसके साथ वाई भी माइनस ही लग रही है, तो दोनों नेगेटिव हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ में क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो नेगेटिव समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इस पर, तो एक मैट्रिक्स गिवन है हमें ए व्हिच इज इक्वल टू 1 0 0 1 इसका, तो आई मैं डायगोनल आपको समझा दूं। डायगोनल में क्या होता है कि कोई से भी नंबर गिवन होते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट नंबर्स गिवन होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, बाकी सब जीरो होते हैं। ये जो मेन डायगोनल वाले हैं ये नॉन जीरो होंगे, इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो जीरो होंगे, ये हो गया डायगोनल। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं ये सेम होते हैं, बाकी दोनों जीरो होते हैं, यानी मैं अगर रख लूँ 3 3, ठीक है, अगर इनकी जगह मैं 5 5 रख लूँ तो भी ये स्केलर हो जाएंगे। तो स्केलर में क्या होता है कि मेन डायगोनल वाले जो हैं वो सेम होते हैं, 1 के अलावा होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, तो ये जो गिवन है हमें ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर 1 होता है और बाकी दोनों 0 होते हैं, तो देखें यहाँ पर भी दोनों 1 ही हैं, बाकी सारे 0 हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे यूनिट। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर जो है एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, रोज और कॉलम्स जो हैं आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं 58 पे, 58 में कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या करेंगे एक ही स्क्वायर रूट देकर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो अगर मैं 15 की जगह
फाइव मल्टीप्लाई थ्री लिख लूँ। आप में से किसी को इतराज नहीं होगा, अगर होगा फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि ये मैंने सही किया, ठीक है। तो ये देखें, पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट में तो एक को बाहर निकालेंगे, ये पेयर बन रहा है तो इनमें से एक को बाहर निकालेंगे। फाइव मल्टीप्लाई थ्री इक्वल 15। अब आते हैं 59, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है। एंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज सेमी सर्कल। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ सर्कल, तो आपको पता है हाफ हाफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। अब आए, ये मैंने हाफ हाफ सर्कल बनाया है, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि कोई सी भी अगर हम एंगल बनाए, कैसी भी एंगल बने इसके अंदर, तो वो कौन सी होती है, तो वो हमेशा राइट होती है। कैसे हम आए मैं सॉल्व करता हूँ इसे। फॉर एग्जांपल मैं रेंडमली एक एंगल बनाता हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक की। अब देखें यहाँ पे जो एंगल बनी है ये बिल्कुल आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आएगा। तो एक और मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको, ये इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपको राइट एंगल ही मिली है। तो जब भी आप सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा आपको राइट ही मिलेगी। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं, 1, 2, 3 up to 1, ठीक है। ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़े हों तो 2 की ज़रूरत नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 3 से स्टार्ट करेंगे हम। लेस देन आर इक्वल टू 6, 6 के बराबर हों या उससे कम हों, यानी 4 भी आएगा इसमें, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू 6 हो, यानी 6 हों या 6 से कम हों, तो इनमें कौन से नंबर्स आ गए, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, वो चीज़ ऑप्शन सी। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसका मैं जल्दी, यानी आज ही मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ, और उसके बाद जो 16 सितंबर की टेस्ट थी वो भी मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, और इंशाल्लाह PST के भी टेस्ट आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करवाता जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।